पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार में सोमवार रात बाइक सवार चार पांच लोगों ने चयनित दरोगा के साथ मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में देर रात चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। वहीं आरोपितों में संबल जनपद के असमौली ब्लॉक प्रमुख के बेटे के साथ ही एक दरोगा के बेटे का नाम शामिल है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीएससी 23 वाहिनी कैंपस निवासी नितिन चौधरी ने बताया कि उनका एसआई भर्ती में चयन हो चुका है। उन्नाव पीटीसी से प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। मामला कोर्ट में होने के कारण पोस्टिंग नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि सोमवार रात वो अपने दोस्त शोभित चौधरी निवासी हिमगिरी कॉलोनी के साथ स्कूटी से सामान लेने रामगंगा बिहार गए थे। वहां से लौटने के दौरान उनकी स्कूटी में स्टेडियम के पास ग्रिल रेस्टोरेंट के सामने बुलेट सवार एक युवक ने टक्कर मार दी। इसके बाद कहासुनी हुई और बुलेट सवार युवक ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबल जनपद के असमौली ब्लॉक प्रमुख के बेटे अनिकेत चौधरी, यूपी पुलिस में दरोगा के बेटे परविंदर सिंह के साथ ही अभय सिंह और आर्यन चौधरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो कि उसके ओनर भी हमारे साथ आए हैं जी, वो भी अपना बयान दर्ज कराने आए हैं। उन्हें भी जान से मारने की वगैरह धमकी दे रहे थे, उनके ऊपर भी बाइक वाइक चढ़ाई उन लोगों ने। तो स्कूटी जैसी मतलब हम लोग आ रहे थे, उसके सामने गाड़ी खड़ी थी। वहाँ की रोड थोड़ी मतलब थोड़ी कम चौड़ी है, तो डिवाइडर है वहाँ पे। तो क्या किस दुकान का किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी अपनी शिफ्ट। तो क्या नाम है, वो जैसी स्कूटी के बराबर में वो बुलेट पे था, वो जैसे हम उसके बराबर में निकले तो उसने हल्की सी हमारी स्कूटी में मार दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उसने कहा रुक बताता हूँ तुझे, बताता हूँ रुक जा। और हम लोगों को उसी पे दुकान पे वो लेना था, मतलब कुछ लोग कुछ सामान वामान लेना था, मैगी वगैरह फास्ट फूड खाना था। तो हम जैसे उस पर रुके तो उनके दो दोस्त पीछे जा रहे थे उनके, और दो दोस्त आगे जा रहे थे। उन्होंने उसने आवाज़ लगाई कि रुक। तो अपने दोस्तों का आवाज़ लगाई और बस मारना पीटना हम दोनों दोस्तों को चालू कर दिया। और जो वहाँ पे धारदार हथियार था वो जो फास्ट फूड का, उन्होंने मेरे सर पे टांग में इधर उधर मारना चालू कर मेरे सर में। क्या नाम है आपका? नितिन चौधरी नाम है, मैं प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी स्पोर्ट्स शॉप है रामगंगा विहार में। तो मैं अपनी शॉप बढ़ा रहा था और आगे आके शोर शराबा मचा, तो आगे आके देखा जो एसआई की पोस्ट पे ये जो भैया हैं इनको बहुत मार रहे थे। तो मैं बीच बचाव के चक्कर में गया, बट बीच बचाव मैं कर रहा था तो उसमें दो तीन लोग थे तो वो मेरे ऊपर भी चढ़ गए और गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगे। तो गाड़ी से जैसे ही मैं गाड़ी के आगे आया तो मेरे ऊपर भी बिल्कुल चढ़ाने की कोशिश करी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं बचाने गया था बट वो लोग मेरे साथ भी गाली गलौज करने लगे और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी पूरी। अच्छा, कौन लोग थे और किस गाड़ी में थे, मतलब किस तरह से? अनिकेत चौधरी करके हैं एक जो गाड़ी चला रहे थे, तो उन्हें भी पुलिस ने कर लिया है, पकड़ लिया है। तो ये लोग थे और बाकी का मेरे को आइडिया नहीं कि कौन लोग। और एक था काना दूध भंडार करके बेटा है उनका, वो सब उनके साथ के दोस्त थे। तो सब ये दोस्तों ने आके मारपिटाई शुरू करी। अच्छा, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उस गाड़ी पे और ये सब बता रहे थे कि हम बीजेपी के हैं और भूपेंद्र सिंह जी का नाम ले रहे थे कि उनका फोन आने वाला है, अभी तुम करते रहो कुछ भी, रिकॉर्डिंग सब निपट जाएगा। अच्छा, कितने लोग थे करीबन? जी, करीबन तीन से चार जने थे, जिसमें काना दूध भंडार वाले थे तो उनके सबके दोस्त थे। अच्छा, सभी एक गाड़ी में थे? ये नहीं, गाड़ी में नहीं थे ये, काना दूध भंडार वाले सामने थे और ये सब आए थे बुलेट पे। तो ये तीन चार जने बुलेट पे आए थे, तो काना दूध भंडार वाला भी आया सामने से और मार पिटाई करने लग गया। कोई असला वगैरह भी था क्या? नहीं, असला नहीं था। ये सागर भैया हैं, एक चिल्ड्रेल वाले हैं, तो उनके यहाँ से लोहे की स्टिक उठा के, वो भी रिकॉर्डिंग है, वो उठाई, बट वो चेन में बंधी हुई थी तो इसलिए
वो बच गए, वरना वो मार देते किसी क्या कोई किसी। बात हुई थी क्या ये आते ही जी? ये आपस में स्कूटी टकराई थी, बस स्कूटी, ये स्कूटी से थे भैया लोग और ये जो मारने वाले थे ये बुलेट पे थे, तो बस हल्की सी टकराई और इन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी और बहुत खून निकला इनके भैया के बहुत। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अकबर के किले के पास एक लड़का अपनी स्कूटी से जा रहा था, वहाँ पे अन्य लड़कों की एक बुलेट बाइक थी जिससे इसकी टक्कर हो गई, इसके बाद उन लड़कों ने इसके साथ मारपीट करी। इसकी तहरीर के आधार पे थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें जो वादी है वो 2020 बैच में अंडर ट्रेनिंग SI है। इसमें अभी इनके बैच की जो ट्रेनिंग है वो स्थगित है हाईकोर्ट की एक रिट पिटीशन के बाद, लगभग ये एक साल से अपने घर पे ही रह रहा है और इसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पूरी कार्रवाई की जा रही है।